रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करी बांक में हूं और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, क्या शुभ नाम हुआ आपका? राम प्रसाद टुडू जी, पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत में आपकी माता जी मुखिया है। माता जी का क्या नाम हुआ? पूर्णी देवी। श्रीमती पूर्णी देवी जी इस पंचायत में पिछले 5 वर्षों से मुखिया हैं और आप उनका पुत्र हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत की जनता के लिए प्रमुख रूप से कौन कौन से काम आपने किया है? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से जो भी सुविधा हमें हमको मुखिया जी को मुहैया करा की गई है उसमें से पानी की सुविधा है, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास, तीसरा है हमारे बुजुर्ग या विकलांग लोगों के लिए पेंशन, इन लोगों के लिए विशेष करके ज़्यादा ध्यान दी गई। चलिए, बहुत ही अच्छा काम आपने किया है। जो नीडी लोग हैं जिनको आवश्यकता है सरकारी सुविधाओं और लाभ का, उन सभी तक आप लाभ और सुविधा सरकार का पहुँचा रहे। बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए, इस योजना के तहत आपने कितने लोगों को लगभग अपने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है? इस पंचायत में लगभग 450-450 से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास दी गई। 450 से अधिक लोगों को आवास का लाभ दिया है। शौचालय SBM के तहत कितने घरों तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त हुई? शौचालय करीब करीब SBM के तहत 550 के आसपास हमने ग्रामीण लोगों के लिए मुहैया किया गया। 550 लोगों को आपने शौचालय भी दिया। क्या ये आपका करीबाग पंचायत जो है ये एक ODF फ्री पंचायत है? ODF फ्री तो कहा नहीं जा सकता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाकी है और NOLB के तहत अभी बनाया भी जा रहा है। हमको लगता है कुछ दिनों के बाद पूर्णतः ODF हो जाएगा। ODF अभी फिलहाल आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में शीघ्र ही आप पूर्ण रूपेण ODF फ्री पंचायत कहेंगे करीबाग पंचायत। श्रीमान टुडू जी, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत करीबाग के, पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत की मुखिया इनकी माता जी हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पंचायत में काम कर रहे हैं, पंचायत की जनता के विकास के लिए तत्पर और प्रयत्नशील हैं और प्रमुखता के साथ पिछले 5 वर्षों में मुखिया जी और इनके सौजन्य से दूसरे और जो अन्य जन प्रतिनिधि हैं पंचायत के, उन सभी का सहयोग लेते हुए इस पंचायत में जो काम प्रमुखता के साथ पंचायत के विकास के लिए और आम जनता के कल्याण के लिए हुए हैं, उन सभी को हम सभी के सामने टुडू जी संक्षेप से रखते हैं। टुडू जी, ये जो आपका पंचायत है निश्चित रूप से एक सुंदर पंचायत, सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं पंचायत में कितना ईमानदारी पूर्ण तरीके से आपने जनता तक पहुँचाया? देखिए, मुखिया जी इस पंचायत में हम लोग के समझ से पूरी ईमानदारी के साथ काम की है। आज हमारे पंचायत में लोग कहते हैं या तो बगल के पंचायत से भी हमको हमारे काम तक आवाज़ आती है कि हमारे बगल पंचायत में गरिमा ठीक है, हमारे बगल पंचायत में ठीक है, जिसके चलते हम लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग यदि बुराई करते तो आज हम लोग दूसरे लोग हम लोग को प्रशंसा नहीं करते, बुराई ही करते, जिसके चलते बगल के पंचायत से भी बोलते हैं कि भाई हमारे बगल के पंचायत में करीबा के मुखिया जी हैं जो से अच्छा काम कर रहे हैं। पंचायत के लोग क्या कहते हैं? पंचायत के लोग भी यहाँ सराहनीय मतलब अच्छे ही कहते हैं, जिसके कारण हम लोग आज खुश हैं कि हो सकता है आगे चल करके पुनः इस सीट पर हम लोग काबिज हैं। श्रीमान, पंचायत में जो गरीब लोग हैं
उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ उनके विकास के लिए आपके पास योजना है, कुछ काम हो रहा है? देखिए ये योजना उस तरह का तो नहीं है, गरीब लोग हैं हमारे ये देहात क्षेत्र में, ये करीबन पंचायत में आदिवासी बहुल गांव है, तो उन लोगों को हमने रोजगार दे रहे हैं, और जो गरीब असहाय लोग हैं पेंशन लेने योग्य हैं पेंशन देते हैं, जिनको आवास की आवश्यकता है आवास दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री सिल डाटा की सूची के अनुसार हमने लगभग 98% लोगों को प्रधानमंत्री आवास अभी तक दी गई है। 98% लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास दे दिया है। चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप पंचायत में काम कर रहे हैं और आप अपने तरफ से पंचायत की जनता को हर संभव तरीके से मदद भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपका ये काम अभी हो रहा है, जो पंचायत का विकास हो रहा है आपके सौजन्य से, और जो आम जनता लाभान्वित हो रही है, आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। श्रीमान, आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या आपकी माताजी इस पंचायत की जनता के सामने एक बार पुनः बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़ी होंगी? हाँ, खड़ी तो होगी जरूर, तो नहीं तो फिर हम लोग आखिर जान कैसे जा पाएंगे, हमने अपना पंचायत में कितना विकास किए हैं। तो आप की माताजी एक बार पुनः इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़ी होंगी, क्या लगता है जीत पाएंगे? उम्मीद तो है। कितना प्रतिशत? 75% एक तरफा आपको जो भरोसा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए हमने हर रोज पूरे 5 साल ईमानदारी के साथ मुखिया जी उन ग्रामीणों के साथ बिताई है, हमारी उम्मीद से पंचायत में बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अच्छा काम करेंगे। आने वाले समय में इस पंचायत की जो वर्तमान मुखिया हैं, पुनः एक बार इस पंचायत की जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़ी होने की पूर्ण तैयारी में है, और जीत के प्रति 75% तक आश्वस्त हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं, और इसका कारण बता रहे हैं कि जो सेवा इन्होंने की है इस पंचायत के पिछले 5 वर्षों में, उसी का फल इस पंचायत की जनता इनको देगी, और आने वाले समय में एक बार फिर से इस पंचायत से वर्तमान मुखिया को ही नेतृत्व का जिम्मेदारी भी दिया जाएगा।